नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 12 आई मोबाइल में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को इनेबल कैसे किया जाता है। दोस्तों यहां पे मैं बता देता हूं कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है। दोस्तों कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का मतलब ये होता है, जैसे कि दोस्तों आपके मोबाइल पे ए टू जेड कोई भी कॉल आएगी, अगर दोस्तों उस व्यक्ति का नाम सेव रहेगा दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो नाम लेके बुलाएगा कि इस नाम से कॉल आ रही है। अगर दोस्तों नाम सेव नहीं रहेगा तो नंबर बताएगा कि इस नंबर से कॉल आ रही है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग। तो दोस्तों कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको अपना डायलर ओपन करना है। डायलर ओपन करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे, सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको सबसे नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अनाउंस कॉलर आईडी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे नीचे नेवर पे टिक है, यानी कि अभी इनेबल नहीं है। तो आपको कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग इनेबल करना है, यहाँ पे पहले ऑप्शन पे ऑलवेज पे यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे आप ऑलवेज पे टिक कर दोगे, अब दोस्तों आपके मोबाइल पे ए टू जेड कोई भी कॉल आएगी तो दोस्तों नंबर सेव रहेगा तो लेके बुलाएगा, अगर नंबर सेव नहीं रहेगा तो नंबर बताएगा कि इस नंबर की कॉल आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप इन्फिनिक्स नोट 12 आई मोबाइल में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को इनेबल कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।